तभी कृष्ण तीन महीना के हो गए। हठात कृष्ण ने अपना करवट ले ली, मैया को तो बड़ा आनंद मिला, लाला का शरीर में ताकत आ गया, अपने आप लाला ने करवट ले लिया। बोले आज घर में करवट लेने का आज हम उत्सव मनाएंगे। सारे गोपियों को नौता दे दी और आंगनों को साफ सुथरा करके एक बैलगाड़ी के ऊपर रख दी और कृष्ण का स्नान करा के उसको नीचे उन्होंने लेटा दी और सबके सब गोपियां बैठ करके ठाकुर जी की कीर्तन कर रहे थे। जब कीर्तन कर रहे थे अभी कृष्ण की नींद खुल गई। बोले भैया मेरे को कहाँ लेटा दी? बोले बैलगाड़ी को नीचे, कीर्तन मेरे, उत्सव मेरे, सब कुछ मेरे लिए हो रही है और मेरे को लेटा कर रख दिया कहाँ पर? बैलगाड़ी को नीचे। अभी कृष्ण की इच्छा हो रही है मैं भी आ करके ये कीर्तन का रस मैं भी थोड़ा लूं, लेकिन कृष्ण तो अभी तीन महीना के, अभी घुटन पर भी प्रभु को चलना नहीं आता है। कृष्ण सोचा अगर जोर जोर से मैं रोऊं हो सकता है मैया मेरे को उठा करके ले जाएगी। कृष्ण जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दी। जब कृष्ण जोर जोर से रोए लेकिन कृष्ण मैया तो लेन देन में लगी हुई थी, कौन आया कौन ले रहे हैं कि क्या जा रही है, उनको कान में रोने का आवाज ही नहीं पड़ी। कृष्ण बोले भैया कब तक रो 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 कर थक गया, अब कितना रोवे? अभी कृष्ण की इच्छा है कीर्तन का रस आस्वादन करे। इतने में कंस ने एक दैत्य को भेज दिया जिसका नाम था सकटासुर। ये पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का बेटा था। एक दिन उसने एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया और उनको सारे बाघ को उसने उजाड़ दी। ऋषि ने उनको अभिशाप दिए, बोले भगवान इसलिए तेरे को इतने मोटे छोटे बनाए ये संतों का बाघ को उजाड़ने के लिए, जाओ तेरा शरीर नहीं रह जाएगी। इतने में तो उसका शरीर गायब होने लग गया। उसने फिर ऋषि के चरण में माफी मांगी, मेरी मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले कृष्ण जब गोकुल में कन्या बनकर के आएंगे उनके चरण की स्पर्श से तुमको उधार मिलेगा। हरे कृष्ण, आप लोग जो सजा रहे हो ना, जब कीर्तन हो तभी सजा, ठीक है ना? नहीं तो आप लोग सजाने भजाने में ले जाओगे, दूसरों को पता नहीं चलेगा। इसलिए जिस समय कीर्तन हो ना तभी ये सजाने को छना कर ले, दूसरे समय चुपचाप बैठ जाओ कथा सुन लो। अगर बैठ जाओ अभी बहुत लेट है, जो ला रहे कोई चिंता मत करो, 5-10 मिनट में हो जाएगा, आप बैठ कर कथा सुनो। हरे कृष्ण। इतने में बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। कंस ने उस सकटासुर को भेज दिया, वो देख रहा है कृष्ण कहाँ पर। देखा कृष्ण बैलगाड़ी को नीचे ले गए, सोचा ये बैलगाड़ी के ऊपर सवार हो जाऊं, किसको उसको शरीर था नहीं, और धीरे धीरे कृष्ण को दबा दूंगा। इतने में कृष्ण ऊपर देखा, बोले भैया मामा तो आ गए, कंस मामा लगते हैं, इनका संबंध सब कुछ मामा लगते हैं। बोले मामा जी आ गए, जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। जब धीरे 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 बैलगाड़ी को दबा रहे थे, इतने में कृष्ण धीरे धीरे अपना चरण को चलाया। कृष्ण के बोले 3 महीना के, और ऐसे उन्होंने चरणों से ठोकर मारे, वो गाड़ी पूरा के पूरा पलट गई, जितने दूध दही सबके सब बिखर गया, जितने वहां गोपियां बैठ कर कीर्तन कर रहे थे भागते भागते आए। बोले भैया कैसे पलट गई, कोई आंधी तूफान है नहीं? लेकिन सखाओं ने देखा था वो कृष्ण का चरण की स्पर्श से ये गाड़ी पलटी है। बोले मैया मैया हम बताएं कैसे गाड़ी गाड़ी पलट पलट पलटी गई। बोले कैसे? बोले कन्या कन्या की चरण चरण की ठोकर से तो लगता है भांग की गोला ज्यादा खा लिए। अभी लाला के बोले 3 महीना की, अभी चलना भी सिखा दी, चरण की ठोकर से पलट गई। मैया को ये बात विश्वास नहीं हुई है। देखो कृष्ण जब 6 दिन के थे उतना घुमा, अभी कृष्ण 3 महीना के उन्होंने सकटासुर को मार रहे, मतलब दिखा रहे हैं भगवान के होठ में कितने शक्ति और ठाकुर जी की चरण में कितने शक्ति है। फिर मैया ने कृष्ण को वहां से उठा करके ले गए, बीच में लेटा दी, फिर सबके सब गोपियों ने कीर्तन की, फिर तो कन्या खुश हो, कृष्ण खुश हो गए। बोले पहले अगर मेरे को ले आते फिर मैं इतना नटखट करता ही नहीं। हाँ देखो, हाँ अभी ध्यान देकर सुनो, इसका शिक्षा क्या है, बहुत अच्छी शिक्षा है। कहीं वहां पर उत्सव हो रहे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उत्सव से कृष्ण को वहां से अलग निकाल दिया। कहां लेटा दी? बैलगाड़ी को नीचे।
घर का सामान कहाँ रख दिया? घर के ऊपर में है? मतलब संसार की वस्तु तो कर दिया ऊपर में, और भगवान को क्या कर दिया? लेटा दिया नीचे। और हो रहे थे उत्सव, और उत्सव से भगवान को निकाल दिया। इसलिए भगवान ने क्या किया, कैसे चरण की ठोकर मारे, सब के सब तोड़ फोड़ कर सत्यानाश कर दी। यहाँ पर भगवान हमारे टीकाकार शिक्षा देते हैं, हमें कभी संसार में ऐसे नहीं करनी चाहिए। हम देखना हम यही करते हैं, जैसे बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, शादी का सालग्रह मनाएंगे, सारा दुनिया को नौका देंगे। आओ घर में हम बच्चे का बर्थडे और शादी का सालग्रह कर रहे हैं, हम क्या करते हैं? सारा दुनिया को खिला रहे हैं, सारा दुनिया को पिला रहे हैं, हैं? लेकिन भगवान दिन में दो बार ड्रेस बदला रहे हैं, लेकिन घर में ठाकुर जी 15 दिन से 10 दिन से कपड़ा पहन कर बैठे हुए, उनका ध्यान नहीं है। लेकिन जिसने दिया सब कुछ तुम्हें, वो तो 10-15 दिन से एक ड्रेस पहन करके चुपचाप वहीं पर बैठा हुआ, जिसका दुनिया है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दिन में 2-3 बार अपना ड्रेस को बदला रहे हैं और श्रृंगार कर रहे हैं, और ठाकुर जी भैसे को तैसे तो बैठे हुए, और सारा खाना बनाए, ठाकुर को भोग भोग से कोई मतलब नहीं, सारा दुनिया को जिसने दिया सारा दुनिया को खिला रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं ऐसे मैं ठोकर मारूंगा ना, सब सत्यानाश कर दूंगा, हैं? इसलिए जो कुछ करो क्या करो, मेरे को ले करके करो। देखो शास्त्र में एक उदाहरण देकर समझाया, जैसे आप लोग जब अपना शरीर को श्रृंगार करते हो, सजाते हो, जब शीशा को सामने अब खड़े हो जाओ, अब देखना ये शरीर को जैसे श्रृंगार करते हैं ना, वो परछाई ही वैसे सज जाती है। परछाई को सजाने का कोई जरूरत नहीं, केवल ये शरीर को सजाओ, परछाई अपने आप सज जाती है। इसलिए शास्त्र कहता है, कहते मूल कौन है? बोले ठाकुर जी है। आप देखना ठाकुर जी को आप जितने सजाओगे, ठाकुर को जितने आप श्रृंगार करोगे, उनको सुख दोगे, अपने आप तुम्हारे घर में शांति सुख अपने आप आएगा, कहीं जाएगी नहीं। लेकिन अगर ये परछाई को केवल सजाओ, लेकिन जो मेन वस्तु उससे कोई मतलब नहीं, आप देखना घर में कभी शांति सुख आ ही नहीं सकती। इसलिए हम क्या करते हैं, एक उदाहरण दिया पहले, बताया था जैसे पिंजरा है, उसके अंदर में तोता है। हम क्या करते हैं, पिंजरा को दिन भर कलर कर रहे हैं, और जो तोता बैठा है, तोता से कोई मतलब नहीं, फिर तोता कब तक रहेगा बता, तोता तो मर जाएगी ना। हम दिन भर यही कर रहे हैं, केवल शरीर को खिलाना सजाना पिलाना शरीर को, लेकिन असली जो आत्मा की जो आहार है ना, वो आत्मा के लिए जो तोता बैठा हुआ जो मुख्य व्यक्ति है, उसके लिए हमारी कुछ भी नहीं है। इसलिए पहले क्या करो, वो तोते को खिलाओ, वो तोते को पहले खिलाओ, उसको बाद में पिंजरा को साफ करना, पहले वो तोते को पहले खिलाओ। पिंजरा क्यों? तोते के लिए पिंजरा है, पिंजरा के लिए है, इसलिए पिंजरा के लिए तोते नहीं, तोते के लिए पिंजरा है। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, घर में क्या करो, जब कोई खाना बनता है, सारा दुनिया को खिलाने से पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, तुलसी पत्ता से ठाकुर जी को पहले भोग लगाओ, वो प्रसाद हो गया, फिर सारा दुनिया को खिला। देखना भगवान के प्रसाद पाएगी दुनिया, एक तो आपने जो बनाया उसका भी सार्थकता, जो खाना खाएंगे प्रसाद पाएंगे उनका भी धन्य उनका जीवन है, क्यों? भगवान की प्रसाद खाएंगे। लेकिन कभी कभी हम ये क्या करते हैं, बोले नहीं सारा दुनिया भर प्याज लहसुन नहीं खाएगा, प्याज लहसुन के बगैर खाना नहीं खाएंगे, नहीं। देखो हम लोग ना दिल्ली में, हमारे बहुत बड़ी हमारा परिवार है, हमारे बड़े गुरु जी के करोड़ों करोड़ों पति शिष्य लोग हैं, अभी शादी हुई थी, बहुत बड़े धूमधाम से करोड़पति व्यक्तियों को, कोई प्याज लहसुन उन्होंने नहीं बनाया, कोई प्याज लहसुन नहीं, कोई शराब नहीं उसमें, कोई उल्टा पुलटा कोई गान फान डिस्को डांस नहीं, कुछ उन्होंने नहीं किया, भगवान की कीर्तन बजाए, पहले बगैर प्याज लहसुन को देकर ठाकुर जो खाना पिया है, खिला करके जितने लोग आए थे सबको उन्होंने भगवान की प्रसाद खिलाया। देखो जिसने करवाया उनका भी कल्याण, जो खाए उनका भी कल्याण। लेकिन अभी दुनिया धीरे 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 इतने बदलती जा रही है ना, अगर शराब मत पिलाओ, अगर मांस मत खिलाओ ना, बोले कौन सा शादी है, ये कौन सा शादी जिसमें शराब नहीं और जिसमें मांस मछली जिसमें नहीं, ये कौन सा शादी, बोले नहीं ऐसे नहीं होनी चाहिए। मैं पहले बताया था ना आपको, पहले मैंने बताया था ना, जिस शादी में जिस बच्चे का सालग्रह में तुमने इतने बोतल तोड़वा रहे हो, इतने तुमने शराब पिला रहे हो और इतने तुम सबको मांस खिला रहे हो, वो शादी के भी क्या कल्याण हो सकती है? शुभ विवाह लिख देते हैं। वो जिस बच्चे का बर्थडे में इतने गंदे काम करते हो,
ये संत लोगों का कहना है, अगर बच्चे का उम्र अगर 100 साल होगा ना, झट 50 साल में उतर आता है, क्योंकि इसकी उद्देश्य के लिए तुमने इतने बोतल तोड़वाया और इतने तुमने मांस मछली इतना खिला रहे। इसलिए आप लोग भी ये सब काम को नहीं करना, ठीक है ना। ऐसे जो आए जो नहीं आए, नहीं आए तो इसमें क्या भाग मिला, इसमें क्या होगा, एक दिन तो दुनिया को तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए हमें शुद्ध बन करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ठीक है ना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी कृष्णा और थोड़े से बड़े हुए, बोले कितने बड़े हुए, जैसे बच्चा करवट लिया है, अब देखना करवट लेने के बाद फिर बच्चा अपना पेट के सहारा से ना घिसते 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 चलता है, हैं? अब कृष्ण बड़े नटखट है, अभी इनकी मन में इच्छा घर से बाहर निकल कर गया है। पहले पहले हर घर में दहली हुआ करता था, चौपट होता था, अब पुराने पुराने घर में सब घर में चौपट दहली हुआ करता था, हैं? अभी कृष्णा उनको घर में चौपट बहुत बहुत ऊंची ऊंची थी। कृष्ण पेट के सहारा से घिसते घिसते चौपटों के ऊपर में आए और आए, अभी कृष्ण तो केवल पेट के सहारा से ही चलना सीखे, अभी आधा शरीर बाहर और आधा शरीर भीतर। अभी तक कृष्ण एकदम लटक गए, बाहर भी नहीं जा पा रहे और अंदर में आ नहीं पा रहे। इतने में कृष्ण जोर जोर से रोना शुरू करती है। उसी समय श्री नारद जी और अंगिरा ऋषि प्रभु को दर्शन करने आए थे, प्रभु कैसे लीला कर रहे। प्रभु को लीला देख कर बोले भाई लटक तो भगवान है, जिनकी इच्छा लेने इच्छा से ही ये विश्व ब्रह्मांड से जीव संसार से पार हो जाते हैं और ठाकुर जी स्वयं पार नहीं हो पाते। ये लीला देख करके नारद जी बड़े जोर से ठा लगा करके हा हा करते करते हंसे। फिर थोड़ी देर बाद में रोए, उनको साथ में जो ऋषि थी नारद जी से पूछे, बोले प्रभु पहले तो हंसे फिर बाद में रोए क्यों, हंसे क्यों और रोए क्यों। बोले इसलिए मैं हंस रहा था भक्तों का सौभाग्य को देख देख करके। भक्त लोग क्या कृष्ण चौपटों को पार नहीं हो पाते, लेकिन केवल भक्तों को आनंद देने के लिए प्रभु लीला कर रहे हैं, हैं? इसलिए भक्त इसी लीला में अपना मन को उसमें डुबो देते हैं। बोले रो रहे थे क्यों, बोले जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं भगवान को जो निराकार निर्विशेष ज्योति स्वरूप मानते हैं उनके दुर्भाग्य को सोच सोच कर मैं रो रहा था। ये भगवान की लीला को चिंतन नहीं करते, कहते सब माई की सबके सब है, माया ने पकड़ लिया ब्रह्म को, इसलिए ब्रह्म भी राम और कृष्ण बनकर कहा इनके भी मुक्ति हो जाएगी, इनकी ये फिलोसफी है। इसलिए इनके दुर्भाग्य को देख देख कर मैं रो रहा था। कृष्ण और थोड़ी सी बड़े हुए, जब कृष्ण बड़े हुए एक दिन नंद बाबा घर में सालग्राम थी, रोज सालग्राम को स्नान कराया करते थे, हैं? घर में सालग्राम को स्नान कराते थे, सालग्राम को भोग लगाते थे। कौन है नंद बाबा, किसके पिता, श्री भगवान कृष्ण के पिता। देखना आप घर में पहले सब माताएं पहले ही करती है, घर में उठ करके ठाकुर को स्नान करना, सालग्राम को साथ स्नान करना, भगवान की गीता भागवत रामायण पढ़ना, नंद बाबा रोज एक सब काम करते थे। उनने सालग्राम को स्नान कराया और उन्हें सिंहासन में रखा। जब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं वो आंख बंद करके मंत्र पढ़ते हैं। इतने में कृष्ण धीरे 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 घुटने पर आए और आकर के जो सालग्राम था ना उसको गुलाब जामुन समझ कर अंदर में डाल। नंद बाबा जो आंख खुले देखते सालग्राम है, बोले भैया सालग्राम कहाँ चला गया, अभी तो स्नान करके बैठाया, इधर उधर देखा कोई है ही नहीं यहाँ पर, फिर सालग्राम कहाँ चली गई। कृष्ण का मुंह ऐसे फूला हुआ, फिर उसका मुंह फूला हुआ क्यों, फिर नंद बाबा मुंह में अंगुली डालना, देखा कृष्ण मुंह में डाल दिया था। फिर नंद बाबा ने सालग्राम को फिर निकाले, बोले अच्छा हुआ नारायण की कृपा से मेरे लाला बच गए, अगर कट कर लेता तो अंदर में खा लेता तो क्या होता। फिर उन्होंने सालग्राम को अभिषेक करा के फिर ठाकुर जी को स्थापन की। एक दिन नंद और जस ये श्री नंद बाबा कृष्ण बलराम को दोनों गोद में दोनों बच्चे को बैठा करके रखे और कढ़ी चावल खा रहे थे, एक और कन्हैया को एक और दाऊ भैया को और एक और खुद खाते थे। चावल खा रहे थे, चावल में एक हरी मिर्च को उसमें अंदर में छुपा करके नंद बाबा रखे थे, क्यों बच्चे हरी मिर्च नहीं खा ले हैं, बड़े तेज है। नंद बाबा दोनों का आंख को बचा तुम्हें कभी कभी बीच बीच में निकाल करके दांत में काट देते थे, फिर चावल के अंदर में छुपा लेते थे।
इतने में कृष्ण ने देखा नंद बाबा क्या खा रहे हैं, हम दोनों को नहीं दे रहे और छुपा छुपा करके खा रहे हैं। बोले दाऊ देखो तो बाबा क्या छुपा छुपा करके खा रहे हैं, तुम निकाल तो। दाऊ बोले भैया ये नटखट काम मेरे नहीं, नटखट काम तेरे हो, तू करके देख। कृष्ण सोचा शायद कोई बढ़िया चीज छुपा छुपा कर खा रहे हैं। उन्होंने भी बाबा को नजर को बचाते हुए निकाले और पूरा मुंह में हरी मिर्च डाल दी और जो खाए उतने मिर्च था फिर तो कृष्ण नाचना शुरू कर दिए। हाँ नाचना शुरू कर दिए। फिर नंद बाबा ने प्रतिज्ञा की और मैं कभी हरी मिर्च नहीं खाऊंगा। इसलिए आप देखना जो जितने पुरानी पुरानी मंदिर होगा ना आप देखना वहां पर कहीं ये मिर्च भोग नहीं लगती, काला मिर्च भोग लग जाती। अब जगन्नाथपुरी में जाओ, बद्रीनाथ में जाओ, वहां पर कहीं कहीं पुराने पुराने मंदिर में क्यों भगवान का जो मुंह है वो मक्खन खाने वाले ठाकुर जी, फिर ये हरी मिर्च कैसे खाएंगे ठाकुर जी। इसलिए ठाकुर को भोग नहीं लगाए जाते हैं। कृष्ण अभी धीरे धीरे कृष्ण और थोड़ी सी बड़े हुए, बड़े होकर के कभी कभी कृष्ण अपना घर में चलते हैं। कृष्ण तो भगवान है, उनके चरण में उन्हीं से चिन्ह है। कभी जब घर में चलते हैं उनको चरण में उन्हें से चिन्ह संपूर्ण पूरे स्पष्ट रूप में दिखता है। लेकिन नंद बाबा क्या सोचते हैं, कृष्ण तो मेरे लाला है। कभी कभी देखते हैं घर में ये सब चरण चिन्ह कहाँ से आता है, इसमें शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह है। उनको ऐसे लगता है मानो घर में जो सालग्राम साथ कभी कभी घर घर में चलते हैं, इसलिए उनका चरण चिन्ह है। नंद जसोदा प्रसन्न हो जाते हैं, बोले हमने ठाकुर का चरण चिन्ह दर्शन की, हमें लगता है और जन्म मृत का चक्कर में कभी आना ही नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी को बढ़िया खीर आज भोग लगा, ठाकुर जी को खीर भोग लगाओ। कृष्ण बलराम जब थोड़ी सी बड़े हुए तो एक दिन सोच रहे हैं जब जब हमारे ऊपर में कोई विपत्ति आ पड़े मैया हमें गोमूत्र गोबर से स्नान करा, बड़ा पवित्र वस्तु। अब देखना घर में पहले सबके सब पुराने पुराने समय में गोबर और मिट्टी से घर पोता लगाया करते थे क्योंकि ये पवित्र वस्तु है। नहीं? एक दिन कृष्ण बलराम देखा सामने गैया बंधे हुए, बोले चलो हम आज जा करके गोबर और गोमूत्र को शरीर में लगाएंगे। और वहां पर गए, जितने कीचड़ गोमूत्र था ना उसको उठा करके सारा शरीर में खोद की और बैठे हुए मैया ने देखा दोनों दुष्ट गए ना यही तो खेल रही थी। बोले कनुआ बलुआ तुम दोनों कहाँ हो? बोले माया हम यहाँ पर। बोले वहां क्या कर रहे हो? देखा सारे कीचड़ कीचड़ से। मैया ने कहे अभी अभी स्नान कराया, अभी अभी है श्रृंगार की, अभी अभी बिगाड़ दिए। दोनों को कान को मैया ने पकड़ ली, बोले क्यों रे, लगता है तुम दोनों पूर्व जन्म में क्या सुअर थे, क्योंकि सुअर ही कीचड़ में लोट पोट खाते हैं। कृष्ण ऐसे सर को हिला रहे, बोले भैया मैं तो पहले सुअर ही था लेकिन तेरे को कैसे पता चला, क्योंकि भगवान सत्य युग में बराह अवतार लिए थे और बराह अवतार ये सुअर का अवतार से बराह अवतार है। इसलिए भगवान आज गोमूत्र और गोबर की महिमा दिखाए। इसलिए अभी देखना साइंटिस्ट लोग रिसर्च करके आप देखना गोमूत्र है गो और गोबर से कितने तरह तरह का मेडिसिन निकाल रहे हैं। कहते गोमूत्र में इतने इतने पवित्रता, ये गोमूत्र में अगर उसको सेवन करो ना किसी तरह का कोई बीमारी नहीं होता है, बड़ा पवित्र है ये गोमूत्र गोबर। इसलिए चरणामृत में देखना थोड़ी सी गोमूत्र गोबर श्री चरणामृत में भी मिलाया करते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी भगवान का कोई अभी नामकरण नहीं है, अभी जिसकी मन में जो इच्छा होता है और बच्चे को उसी नाम से पुकारा करते हैं। नंद बाबा गर्गाचार्य जो सोच रहे हैं लाला का कोई नामकरण हो जाए, कोई फिक्स नाम हो जाएगा तो उसी नाम से हम पुकारा करेंगे। लेकिन एक समस्या है, नंद बाबा सोच रहे हैं लाला मेरो है और श्री गर्गाचार्य सोच रहे हैं लाला मेरो है। दोनों ही सोच रहे लाला मेरो है, लाला दोनों का ही है, वो दोनों का ही लाला है। एक दिन गर्गाचार्य को श्री वसुदेव महाराज बुलाए, बोले हे वसुदेव जी, हे गर्गाचार्य जी, आपको पता है ये कृष्ण मेरे लाला है, मैंने राता रात रख करके वहां से बेटी को ले आया, इसलिए आप कृपा करके थोड़ा गोकुल में जाओ और मेरे लाला को एक नामकरण करके आओ। देखो ऐसे एक नाम रखियो
जिस नाम से मेरा नाम जुड़ा हुआ हो। क्योंकि जब पहले नाम करने करते थे ऐसे नहीं मन में जो कुछ आए टुल्लू बुल्लू टिक्की फिक्की ऐसे नाम नहीं रखते थे पहले, ऐसे नाम को नहीं रखते थे पहले। ज्योतिष को बुला करके वो जन्म नक्षत्र को देखते थे, जन्म नक्षत्र को देख करके फिर उन्होंने कोई नाम करना तभी क्या करते थे, ऐसे नाम नहीं रखते थे। हाँ देखो बेटा कौन होता है, जो पिताजी की परंपरा को रखा करे, जो बेटा को इज्जत मान रखा करे। हम कहते ना ये किसकी बेटा है, बेटा अगर बढ़िया कोई काम करता है पहले कहते भैया ये किसकी बेटा, बोले अमो का बेटा है, वाह बड़ा सुंदर बेटा है ना। पहले पिता का नाम आता है ना, पिताजी किसकी बेटा है। इसलिए पहले जब नाम करना करते थे वो नाम में ऐसे एक नाम होता था जो एक नाम में उसकी पिता और उनके पिताजी का नाम एक नाम में रहता था, पहले ऐसे नाम रखते थे। जैसे देखो राम, अब बता राम के पिताजी का नाम क्या था, दशरथ। दशरथ देखो कैसे पहले नाम रखते थे, दशरथ। इसमें दशा जो रखर है दशरथ महाराज रखर लेकर के पहला नाम पहला अक्षर उन्होंने राज के, तो उनको पिताजी का क्या नाम था, बोले आज। वहां से ये आज लिया अक्षर लिया, फिर राम में राम में फिर मां में अरख, इसलिए राम हुआ। कृष्ण उनको पिताजी का नाम नंद है, उनको पिताजी का नाम नंद। कृष्ण स्ना में जो न है नंद बाबा का पहला अक्षर को वहां से ले लिया, कहते तो उनको जो पिताजी थे बोले परिजन बाबा है, परिजन बाबा से उन्होंने फिर उनसे र लिया। क्री क्री में जो री मात्रा है वो र है, इसलिए उन्होंने उनको पिताजी से लिया। इसलिए पहले जब नाम रखते थे ऐसे ऐसे रखते थे जो कि पिताजी के नाम और पिताजी की, इसलिए पिताजी मरने के बाद पिंड कौन देता है, बेटा ही देता है ना, मुखाग्नि कौन देता है, बेटा ही देता है। इसलिए पहले जब नामकरण करते थे ऐसे देख करके नक्षत्र जन्म देख करके उसको पहले रख करके कोई नाम रखते थे, हैं? इसलिए ये भी एक साइंस है, मैंने पहले आपको बताया था ना। देखना जब कोई भी मशीन होता है उसको साथ में एक मैनुअल होता है, लेकिन वो मैनुअल को कौन बनाता है, जिसने वो मशीन को बनाता है वही वो मैनुअल बनाता है। अगर मैनुअल को पढ़ करके वो मशीन को अगर चलाओ तो देखना मशीन बहुत चलेगा, बढ़िया चलेगा। अगर बगैर मैनुअल को पढ़ करके जैसे तैसे मशीन को ऑपरेट करोगे फिर मशीन खराब हो जाएगी, हैं? इसलिए भगवान जब ये दुनिया बनाए उन्होंने भी एक मैनुअल भी बना करके दिए, बोले किया, बोले रामायण दिया, गीता दिया, भागवत दिए, पुराण दिए। देखो बच्चों तब तक ये दुनिया में सुखी रहोगे जब तक ये गीता रामायण भागवत को पढ़ करके रहोगे तब तक सुखी रहोगे। अगर इसको ग्रंथ को छोड़ करके अपना मन मर्जी अगर संसार में रहोगे सुखी नहीं रह सकते। इसलिए हमारे जो गुरुजी के गुरुजी जब अमेरिका गए उनका पहला लेक्चर यही था, हमने सुना ये अमेरिका बड़े समृद्धशाली देश है, लेकिन जब हम न्यूज पेपर पढ़ते हैं सबसे ज्यादा कहीं सुइसाइड डिप्रेशन में मरने वाले अमेरिका में, बोले क्यों, अगर इतने समृद्धशाली कोई मतलब गरीब लोग नहीं ज्यादा सुइसाइड करने वाले पैसा वाले मरते क्यों मरते, इसका मतलब यहाँ पर शांति सुख नहीं, पैसा शांति सुख नहीं देता है। इनका पहला लेक्चर उनका था, हाँ अमेरिका में इनका पहला लेक्चर यही था। इसलिए जब तक ये गीता रामायण भागवत को हम पढ़ेंगे हैं वहाँ के शिक्षा को अपना जीवन में ग्रहण करेंगे तब देखना घर में शांति सुख, घर में हैं परिवार में, हम कहते हैं राम राज्य कहते हैं ना, हम क्या कहते हैं राम राज्य कहते हैं। राम राज्य मतलब क्या, जहाँ पर कोई दुख कष्ट कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, बोले क्यों नहीं था, क्योंकि अब रामायण पढ़ो देखो उसमें इतनी शिक्षा है, कहते बच्चे का पिता का प्रतिज्ञा करते थे उसमें शिक्षा दिया, प्रात उठ ही रघुनाथा मात पीत गुरु नमई माता, पहले भगवान उठ करके पिता माता की क्या करते हैं, हरे कृष्ण बोले से वृंदावन बिहारी लाल की, पहले भगवान उठ करके पहले पिता माता की गुरु को चरण छूते थे, है ना, पहले चरण छूते थे। फिर देखो अब रामायण देखे हो, देखना भगवान राम कैसे दशरथ महाराज का चरण सेवा करते, अब देखे होंगे ना चरण शिक्षा देते हैं, बच्चे का कर्तव्य है पिता माता की चरण की सेवा करना। हाँ देखो जितने बहुएं हैं ना
आपके लिए अच्छा, जितने बहु है आपके लिए अच्छी बात बताता हूँ। ध्यान से हरे कृष्ण क्या हो गया? देखो ये जितने संत लोग ये बात कहते हैं, कहते बहुओं के लिए आप ध्यान देकर जितने बहु है सब कथा सुनो, कहते जरूर आप सास की सेवा जरूर करें, कहते सास की सेवा जरूर। बोले क्यों? आप देखना जैसे घर में दो तीन बच्चे हैं, लेकिन जब बंटवारा होता है सबको बराबर हर चीज मिलती है, लेकिन जो बहु सास की सेवा करेगी फिर वो सास क्या करेगी? वो छुपा करके कुछ ना कुछ रखेगी, वो है ना, रखेगी छुपा, क्योंकि उसको पता है ये मेरी सेवा करती, ये सेवा करती है, सबको तो बराबर दे देगी, ऐसे कुछ चीज छुपा कर रख देगी, तू ले ले इसका अलग रख, है ना, अलग तू रख ले, क्योंकि वो सेवा करती है, है? इसलिए रामायण पढ़ोगे ना इस सारी चीज से क्या मिलेगी, बेटा का पिता का प्रतिज्ञा करते देखो भगवान राम कहते ना रघु कुल रीति सदा चली आई प्राण जाए करो भजन। देखो पिताजी की केवल पिताजी की वाक्यों को सत्य करने के लिए उन्होंने 1400 साल तक जीवन बनवास। अभी कोई बेटा करेगा? करेगा अभी कोई? रामायण पढ़ोगे तब तो शिक्षा मिलेगी ना, तभी तब शिक्षा मिलेगी है। इसलिए भाई भाई में क्या संपर्क होनी चाहिए, भाई भाई में कैसे प्रीति होनी चाहिए। देखो भगवान राम के लिए भरत ने देखो राज्य को त्याग दिया, जब राम जिस रूप में जंगल में रहते थे वो अयोध्या में भी ऐसे जटाजुट धारण करते हुए भरत रहते, ऐसे जटाजुट धारण करते हुए भरत राम करते थे। मतलब भाई भाई के प्रति कैसे प्रेम होनी चाहिए, बेटा पिता माता का प्रति, माता पिता बेटे का प्रति कैसे प्रेम होनी चाहिए। अगर ये सब ग्रंथ पढ़ोगे ना तभी तो हमें पता चलेगा भैया कैसे कैसे भाई भाई में, बहु बहु में कैसे प्रेम होनी चाहिए, भाई भाई में कैसे, तभी तो पता चलेगा ना। इसलिए हाँ, इसलिए जब उन्होंने नाम करना जो है ना, कहती ये एक साइंस है। बोले साइंस कैसे है? आप लोगों को पता होगा, पहले मैंने बताया था शादी से पहले कुंडली मिलाते है ना, कुंडली कहते ना ये मंगली, कहते ना मंगली ये है, पता कैसे चलता है? वो नक्षत्र से पता चलता है, नक्षत्र से पता चलती है ये कौन सा समय में कैसे जन्म हुई है। इसलिए नियम है ज्योतिष को बुला करके पहला अक्षर निकालो, वो अक्षर को पहले रख करके ऐसे नहीं अंटसंट नाम रख दो, जो इच्छा हो टुल्लू गुल्लू टिकी भिंग नहीं भगवान, नहीं तो किसी भक्त का नाम रखो। हम अजामिली की कथा सुना है ना, बेटा का नाम कैसे नारायण रख लिया, कितने बड़े पापी, लेकिन बेटे को नारायण 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 करते करते अंतिम समय में एक बार ठाकुर का नाम निकल गया, बस बड़ा पार उधार हो गया है, उधार हो गया। इसलिए ये नाम बड़ा महत्व रखता है। पहले मैंने आप कथा सुनाई थी, मैंने कहीं कथा कर रहा था जब इस बात को बता रहा था, एक बूढ़ी माता जी आई, बोले बाबा आप सही बता रहे। बोले क्या है? बोले मैंने बच्चों का नामकरण किसी ज्योतिष पति से नहीं कराया, जैसे तैसे रख ली, जब जन्म कुंडली मिलाया मिला ही, बोले कोई बात नहीं शादी करा दो। जब शादी हो गई, जब ससुर घर में गई, इतने कलह इतने लड़ाई, दोनों बेटी लड़ाई झगड़ा करे घर में भी बैठे। इसलिए जो भक्ति है, जो शास्त्र है, ये साइंस ही है। इसलिए श्री वसुदेव महाराज हैं, वसुदेव महाराज गर्गाचार्य को बोलते आप जाओ मेरे बेटा का नामकरण करके आओ, और ऐसे एक नाम रखो जो मेरे साथ में मिलता जुलता हुआ हो। प्रसन्न हो गए गर्गाचार्य, अहो भाग्य है आज ठाकुर जी का नामकरण करेंगे, ठाकुर जी का हम गोद में लेंगे हैं, कृष्ण अभी छोटे बच्चे हैं। श्री गर्गाचार्य जब नंद बाबा का घर में आए, नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, बोले अहो भाग्य है हमारे घर में भक्त आए, संत आए, उनका आसन दे करके बैठाए, उनकी चरण धोए, चरणामृत लिए। बोले आप जब कृपा करके घर में आए हो, हमारा बच्चों का थोड़ा नामकरण भी करा दो, वो तो इसीलिए आए थे, खुश हो गए। इतने में मैया जसोदा रोहिणी कृष्ण बलराम को लेकर के आए, जब आए तो उन्होंने बड़ा बेटा का नामकरण करवाया, ध्यान लगाए ये बेटा कौन है। जब उन्होंने आंख बंद किए, देखा ये बेटा कोई साधारण नहीं, ये साक्षात आनंद देव है, जिसने संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को अपना सर के ऊपर में सरसों जैसे हाँ धारण किए है। इसलिए बोले नंद बाबा तुम्हारा ये जो बेटा है, बोले अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन श्रोहिद गुणैः, बोले इसका नाम होगा राम होगा,
क्यों राम होगा, ये सबको आनंद प्रदान करेगा और सबका हृदय में ही रमण करते ही, इसलिए इसका नाम होगा राम। बोले बला धिक्यात बलम विदु, बड़ी हृष्ट पुष्ट बड़ा बलवान बनेगा, इसलिए इनका नाम होगा बल राम इसका नाम होगा। अभी दूसरे बेटा कृष्ण का नाम करना करेंगे, ध्यान लगाया लगाया तो पूरा ध्यान ही लग गई, क्योंकि जिसका एक दो चार पांच नाम हो ना कोई, फिर नाम रख दो, बोले दुनिया में जितने नाम सबका नाम इसका है, हैं कृष्ण गोविंद दामोदर कितने कितने ठाकुर जी के नाम, हरि अनंत हरि कथा अनंत। अभी उन्होंने विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने दर्शन किए, बोले भैया किस इनका नाम रखो, फिर किया दुनिया का जितने नाम अब सबका नाम पूछो, धरना भगवान का नाम को लख्य करता है, सब ठाकुर का नाम को लख्य करता है, बोले भैया इसका नाम फिर हम क्या रहे, वो तो बड़े कंफ्यूज में पड़ गए, इसलिए उन्होंने आग बंद कर खोल नहीं रहे थे, दुनिया को देख रहे थे, नंद बाबा हाथ पकड़ कर हिला है, बोले बताओ ना बेटा का नाम क्या होगा। बोले श्री नंद तुम्हारा ये जो बेटा है ना ये साधारण बेटा नहीं, बोले आसन वर्णास्त्र गृहोत अनुजुगम तनु शुक्ल रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्णताम गत। पर ये सत्ययुग में ये शुक्ल वर्ण धारण करके आया था, तृतीया युग में ये रक्त वर्ण धारण करके आया था, कलि युग में श्री नवद्वीप धाम में श्री सचिनंदन गौर हरि रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में ये आएंगे और सर्वत्र ये हरि कीर्तन को प्रचार करेंगे। देखो ये द्वापर युग में ही ये गर्गाचार्य जी ये बात बताएंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नवद्वीप धाम में राधा कृष्ण दोनों मिल करके एक स्वरूप में श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आएंगे और सर्वत्र ये हरि कीर्तन को प्रचार करेंगे। देखो थोड़ी सी आप लोग चैतन्य महाप्रभु का कथा सुन लो, ये गर्गाचार्य जब बोल रहे कहते ये चैतन्य महाप्रभु कौन है और ये जगत में क्यों आए हैं, किस लिए ये आए, इसका कारण बताए। जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में आए बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी प्रभु लीला की, भगवान होते हुए भी उन्होंने अपने आप को भूल गए भगवान रूप में, सखाओं को साथ में लीला की, अगर सखाओं को कोई झूठा कोई फल मिल गया ना मीठा फल, पहले सखा लोग खा लेते, बोले कन्हैया फल बड़ा मीठा है, बोले तू अकेले खाओगे मेरे को नहीं, तो ठाकुर जी झपट करके उनका झूठा में खाते थे। जब कभी सखाओं को साथ में खेलते खेलते दो पार्टी हो जाता था, बोले जो हार जाएगा ना जो हारने वाले पेटी जीतने वाला को कंधे पर बैठा करके ये माट बन से उनको भांडी भी बैठकर ले जाना पड़ेगा। कभी भगवान कृष्ण हार जाते इतने में सखा लोग कहते कन्हैया घोड़ा बन, बोले मैं नहीं बनता, बोले घोड़ा नहीं बनोगे, सखा लोग कहते कि अब कृष्ण को अकेला कर दो इससे कोई बात नहीं करेगा, सब अकेले हो गया। कृष्ण कहते नहीं नहीं मैं घोड़ा बन जाऊंगा, मैं मेरे ऊपर पीठ पर चलो, मेरे पीठ के ऊपर चलो मैं घोड़ा बन जाऊंगा। भगवान ऐसे वशीभूत होकर घोड़ा बने, जब यशोदा रूप जब कृष्ण रूप में आए हम आगे सुनेंगे, भगवान होकर के मैया की उखल में ठाकुर जी बन गए। कभी अगर मिट्टी खा लिए मैया कैसे कोई शिकायत कर दिया तो डर से बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, कभी मक्खन खा लिए तो मैया अगर कभी डांट लगाते हैं कहते मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई, डरते हैं भगवान। जब फिर रासलीला उन्होंने की है? जब उन्होंने रासलीला की उसी समय में फिर तो भगवान के फोन था नहीं उसमें देखो तो कोई फोन कर, इसलिए भगवान रासलीला में सत करोड़ों गोपियों के साथ में प्रभु रास करते हैं और गोपियों के चरण में ऋणी बन जाते हैं ठाकुर जी है। इसलिए भगवान जब कृष्ण लीला खत्म करते हुए चले गए, एक दिन गोलोक वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु कथा सुना रहा, एक दिन गोलोक वृंदावन में कृष्ण बैठे सोच रहे हैं, कहते मेरे मन में जितनी इच्छाएं थी मैंने सारी इच्छाओं को हमने पूरी की, लेकिन एक चीज मेरे दिमाग से बाहर चली गई जो चीज को मैं समझ नहीं सका। बोले वो चीज क्या है, बोले राधा या प्रणव महिमा की, राधा जी की जो प्रेम की जो महिमा मेरे को ये चीज पता नहीं चला। राधा रानी मुझे भी देख कर खुश होती है, मैं भी राधा जी को देख कर खुश होता हूँ, लेकिन मुझे जितने आनंद मिलता है राधा जी को देख करके, राधा मेरे से करोड़ गुण ज्यादा आनंद प्राप्त करती है, मेरी प्रेम में तरह तरह का भाव प्रकट होता है उनके शरीर में, राग अनुराग भाव भाव अद्भुत अद्भुत भाव प्रकट होता है, लेकिन मेरे अंदर में कभी नहीं होता। कभी राधा रानी बेहोश हो जाती मेरे प्रेम में,
मैं तो कभी बेहोश नहीं होता, लेकिन ये मेरे को देख करके सारा दुनिया पागल होते हैं। यहाँ तक भी मैं भी स्वयं अपना रूप को जब कि शीशा में देखता हूँ, मैं अपना रूप को देखकर नहीं पागल हो जाता हूँ। बोले ये कौन है, इतने सुंदर, कब मैं राधा रानी बनकर के ये रूप कब मैं आलिंगन करूं। मैं स्वयं भी अपना परछाई को देखकर पागल बनता हूँ, क्या मैं सुंदर हूँ। ये रूप को पूर्ण रूप में आस्वादन करती राधा रानी। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं, अगर मेरे अंदर में जो माधुर्य, मेरे अंदर में जो प्रेम है, अगर मैं उसको आस्वादन करना चाहता हूँ, जब तक स्वयं राधा बनकर के नहीं आऊंगा तब तक इसको आस्वादन नहीं कर सकता। इसलिए कृष्ण ने राधा रानी से दो चीज को उन्होंने मांगी, एक तो उनका रंग और दूसरी उनकी भाव। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है गौरव हरि। गौरव हरि मतलब गौरी, मतलब श्री राधा रानी, हरि मतलब कृष्ण। ये दोनों मिलकर जब एक रूप होते हैं, ये श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में, इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में श्री नवद्वीप धाम में प्रकट हुए और संपूर्ण विश्व में उन्होंने ये हरि कीर्तन को प्रचार किया। और उसी लाइन में जो इस्कॉन का नाम सुने होंगे, उसमें जो स्वामी महाराज हुए हैं, उनकी गुरु जी के आदेश पर उन्होंने विदेश में गए और विदेश में जाकर के भी संपूर्ण विश्व में उन्होंने हमारे सनातन धर्म को, हमारे हिंदू धर्म को सर्वत्र उन्होंने प्रचार और प्रसार किया। इसलिए यहाँ पर श्री गर्गाचार्य कहते हैं, तुम्हारा ये जो बेटा ये कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में आकर के सर्वत्र ये हरि कीर्तन को ये प्रचार प्रसार करेंगे। बोले इदानी अभी तुम्हारा जो बेटा है ना कृष्ण बनकर के आया, इसलिए इनका नाम कृष्ण नाम होगा। बोले कृष्ण नाम क्यों रखे, भगवान का तो अनंत नाम है, उन्होंने कृष्ण नाम क्यों रखे, कारण क्या? बोले कारण है, कृष्ण मतलब होता है काले, कुलतार जैसे नहीं, कि कुलतार जैसे मत समझो। इसलिए एक उदाहरण दिया, इंद्र नील मणि, एक मणि है उसका नाम इंद्र नील मणि कहते हैं, वो उसका रंग जैसे ऐसे ही कृष्ण का रंग है। अब देखना बहुत सारे रंग मिला हो, अलग 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 रंग दिखेगा, लेकिन थोड़ा काला रंग मिला तो देखना सारे रंग को अपना लेता है, वो काला ही काला हो जाता है। इसलिए कहते ना, काले कांवरिया पर चढ़े ना दूजर है, अगर किसको पर ये कृष्ण रंग चढ़ गया ना, फिर उसको पर फिर कोई रंग काम नहीं करता, वो सारे रंग कोई फैल करके काला ही काला हो जाता है। इसलिए कृष्ण काले ही कृष्ण, और काला मतलब होता है, उनको उदाहरण दिया जैसे मेघ है ना, जब इकट्ठे हो जाए, हाँ मेघ जब इकट्ठा हो जाए उसका रंग को साथ में प्रमुख रंग उदाहरण दिया। बोले क्यों? बोले मेघ को कहते पानी, बोले पानी मतलब होता है कृपा, है मतलब जो भगवान कृष्ण है वो बड़े दयालु, बड़े कृपालु है, इसलिए उनको घनश्याम बताया। और तीन जगह से टेढ़े क्यों कृष्ण, वो सीधा क्यों खड़े नहीं होते? आप देखना, कोई सीधा चीज अंदर में जाए तो आसानी से निकल जाएगी, लेकिन कोई टेढ़े चीज चले जाए वो सहज में नहीं निकलती है। इसलिए कृष्ण तीन जगह से कृष्ण टेढ़े है, इसलिए इनका नाम रखे, इनका नाम कृष्ण होगा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले नंद बाबा, तुम्हारा ये जो लाला है ये हर युग युग में आता है, जब जब इसी जगत में, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ना, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्य। बोले तुम्हारे ये बेटा युग युग में आकर के जब जब पृथ्वी को पर कोई विपत्ति पड़ता है, सारे विपत्ति से तुम्हारा बेटा जीव उद्धार करता है। सत्य युग में ये पृथ्वी महाराज रूप में आए, कभी अकाल पड़ गया राज्य में, हैं सब पानी, कितने सालों से बारिश नहीं हो रही थी, भूखे मर रहे थे, भगवान प्रथम रूप में कृष्ण आए, फिर उन्होंने पृथ्वी को उन्होंने प्राण दान किया है। ऐसे ही तुम्हारा बेटा हर युग युग में अवतरण होता है। वहां पर मैया जसोदा बैठी हुई थी, जसोदा सोच रही थी ज्योतिषी से कोई काम की बात नहीं होता है, बिना काम की बात केवल बताते जा रहे हैं। हाँ देखो, बोले हर माताएं क्या सोचती है, हर माताओं की काम की बात किया, बोले इनकी काम की बात है बेटा जल्दी से जल्दी तो बड़ा हो जाए, और बेटा का जल्दी जल्दी शादी हो और घर में बहू कम,
ये हर माता की ये सब कामनाएं हैं। क्यों? बोले जब तक घर में बहू नहीं आती है ना, तब तक माताओं का सारे काम करना पड़ता है। लेकिन जब घर में बहू आ जाए, फिर सारे काम को बहू संभाल लेती है, फिर सास को विश्राम मिलती है। हर माता की तमन्ना यही है, हाँ यही तमन्ना है। लेकिन अभी दुनिया सब उल्टा हो गया है, दुनिया उल्टा हो गया। देखो आपको जो पीछे सबसे पीछे बैठी है ना एक माता जी, इनकी दो बेटे हैं, लेकिन दो बेटे को खूब लिखाया पढ़ाया, एक तो कहीं अमेरिका में चले गया, कहीं कनाडा में चले गए, तो दोनों ही बेटे बाहर हैं। अब ये दोनों बुढ़ावरी घर बैठे हुए और दोनों बेटे बाहर। वो कहती है हमने दोनों बेटे को लिखाया पढ़ाया, सोचा घर में बहू आएगी, बुढ़ी अवस्था में थोड़ी सी मदद करेगी, लेकिन अभी कोई हमारे सेवा करने वाले कोई नहीं है। और फिर तो और बहुत सारी बात आपको पता होगा, इसलिए पहले फिर अगर लिखी पढ़ी कोई बहू आ जाए फिर तो हो गया, घर कोई काम करने के लिए जाए तो फिर सास को ही काम को सारे काम सास के ऊपर पड़ जाती है। इसलिए मैया जसोदा सोच रही थी ये कोई काम की तो बात बताए, कितने बेटा की शादी होगी, घर में कैसे बहू आएगी, ये सोच रही थी। इतने में श्री गर्गाचार्य एक श्लोक बताए, देखो उसका दो अर्थ हो जाता है, आप लोग देखो थोड़ी सी, कहते बहुनी संती नामहानी, वो कह रहे हैं तुम्हारा जो बेटा है ना इसकी अनंत नाम है, अनंत गुण है, अनंत लीला है। लेकिन मैया तो बड़ी सीधी साधी, वो अपना मनमानी अर्थ लगा रही थी, बोले बहुनी संती नामहानी, मतलब तेरे बेटा का बहुत सारे बहु है। वो कह रहे थे बहुत नाम रूप, लेकिन लगा रहे साथ घर में बहुत सारी बहुएं होगी घर में बहु, वो तो खुश हो गए। सचमुच से कृष्ण जब वृंदावन में रहे, राधा रानी तो है ही है, ललिता विशाखा चंपकलता तुंगभद्रा चित्रा सुचित्रा भगवान सब कर्ण गोपियों को साथ में राज ले जाते हैं। फिर जब द्वारका जाते हैं फिर 16,108 पटरण, फिर नामानी अलग अलग नाम अलग अलग रूप और गुण, रूप भी अलग, जो कालिन थी वो देखने में श्याम रंग की थी, राधा रानी गोरी कोई सावरना वर्ग की। मैया तो खुश हो गई, बोले बहू होनी चाहिए, क्योंकि जितना बहू होगी उतना तो सास की सेवा करेगी ना। मैया तो बड़ी खुश हो गई, बोले ज्योतिषन काम की बात बताए, प्रसन्न हो गए और लाला को उनका चरण में लेटा दी, बोले लाला को आशीर्वाद दो, और उन्होंने बढ़िया दक्षिणा देकर जब चले गए, इतने में जितने गांव के माताएं थी, बोले ज्योतिष ने लाला का नाम क्या रखो है, बोले बड़ा बेटे का नाम बलराम और छोटा बेटे का नाम कृष्ण। बोले भैया नाम तो बड़े प्यारो नाम है, लेकिन देखना ये जो कृष्ण नाम, ये जब तक ये जिह्वा ये तीन बार पलट नहीं जाती ना, ये कृष्ण नाम भी नहीं निकलती। बोले ये नाम तो जन्म पत्री में ये नाम रहने दो, लेकिन हम अपना घर का दो नाम रख लेते, बड़ा बेटा का नाम है बलुआ और छोटा बेटा का नाम है कनुआ। बोले कनुआ और बलुआ इसी दो नाम से हम लाला को पुकारा करेंगे। बोले श्री कनुआ बलुआ की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक भजन गुरी वृंदावन विहार की जय, जय श्री राधे। ओ मोटे मोटे नयनन के तू और मीठे मीठे बैनन के प्यारी प्यारी मोहनत की हो बाके बिहारे कजरारे मोटे मोटे तेरे नयना जरना लग जाए नजर ना लग जाए हो बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे I'm not gonna
और बांके बिहारी जी का दर्शन किस किस ने किया? बस चार लोग सभी लोगों ने किया लगभग। तो आप लोग जब बांके बिहारी जाते हैं देखते होंगे कि दो मिनट अंतर अंतर पर्दा लग जाता है, लगता ही नहीं, क्यों लग जाता है? इसलिए कि हमारे बांके बिहारी इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, सुंदरम किन्ना सुंदरम, इसलिए उनको नजर ना लग जाए इसलिए पर्दा लग जाता है। इतने सुंदर है हमारे बांके बिहारी, तो इस भजन में उनका श्रृंगार का वर्णन है। तो आइए सभी लोग ताली बजा कर नाचते भए गाएंगे। हो बांके बिहारी